म्यूटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन अलाइव। इसका काम यूनिवर्स के सारे पोकेमॉन को और सारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा और अच्छा रखना है। बट क्या हो कि किसी दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ पोकेमॉन अपनी पावर्स का यूज करके म्यूटो के माइंड को अपने अंडर कंट्रोल में लाए और अपने यूनिवर्स में रहते हुए भी हमारे ओवरवर्ल्ड को तबाह कर दे। आज हम लोग जा रहे हैं सर्वाइव करने 100 डेज इन अ पोकेमॉन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड जितना ज्यादा सुंदर है उतना ज्यादा मिस्टीरियस भी है। हमें यहाँ पर अपने रहने के लिए एक प्यारा सा बेस बनाना है और एलिमेंटल पावर्स को होल्ड करने वाले पोकेमॉन्स को पकड़ना है एंड लास्ट में हम लोग को फाइट करना है म्यूटो से। बट द क्वेश्चन इज क्या मैं ये कर पाऊंगा। सो डे वन को मैं स्पॉन हो जाता हूँ अपने न्यू वर्ल्ड में एंड यार एक बार आप लोग देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। स्टार्टिंग में मुझे एक ओपनर किट मिला है जिसमें काफी सामान थे एंड सबसे बेस्ट तो ये स्पाई ग्लास। ये सब तो होता रहेगा लेकिन पहले हम लोग अपने पोकेमॉन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास बल्बासोर, चार्मेंडर, स्क्वर्टल और भी यार ऐसे कई पोकेमॉन से जिनको मैं स्टार्टिंग के लिए सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओ भाई इतने ऑप्शन में से मुझे फेनेकिन बहुत ही ज्यादा पसंद आई है क्योंकि यार ये दिखने में तो फायर टाइप है एंड ये बहुत ही ज्यादा क्यूट भी है। तो चलो अपने पोकेबॉल को या कहूं अपने फर्स्ट फ्रेंड को इस वर्ल्ड में बुलाते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड यार ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। साथ में तो अभी इसका लेवल भी देख सकते हैं हम लोग जो कि है 10 मैक्सिमम लेवल होता है इसमें 100। तो हमें अपने आज किसी एक पोकेमॉन को 100 लेवल तक तो लेके ही जाना है। वैसे हम लोग का स्पॉन बहुत लकी था क्योंकि हमें सामने ही एक विलेज मिल जाता है एंड इधर के साइड में डेजर्ट बायोम थे, उधर के साइड में माउंटेन बायोम थे एंड हम लोग खुद ही एक नए बायोम में खड़े थे। इससे क्या होगा हमें बहुत ज्यादा वैरायटी के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। आई मीन टू से पोकेमॉन आने वाले 100 डेज के अंदर हमें बहुत काम करने हैं तो मैं टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता और अपने लिए एक ट्री माइन कर लेता हूँ। एंड गेस व्हाट, वहाँ पे मुझे हमारा दूसरा पोकेमॉन पिजियोटो दिखती है। बट यार उसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था तो अगर हम लोग अपने पोकेमॉन से उसकी फाइट कराते तो हम लोग हार जाते, इसीलिए मैं उससे फाइट नहीं करता हूँ और वहाँ से ट्री माइन करके निकल जाता हूँ। फेमिन मैं तुम्हें चुनता हूँ। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनके फाइट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को अटैक करना है और हमारी एक ही अटैक में पीजियोटो बस मरने ही वाली है एंड एक अटैक और एंड यो ये वाली फाइट हम लोग बहुत ही ज्यादा इजीली जीत लिए। हम अपनी फेनिकिन का जितने पोकेमॉन से फाइट कराएंगे उतना इसका लेवल बढ़ेगा। मैं निकल पड़ता हूँ विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स दिख रहे थे जैसे कि ये शीप वाली। इस वर्ल्ड में अपने पोकेमॉन के साथ सरवाइव करने के लिए हमें काफी रिसोर्सेज की भी जरूरत है जैसे कि हम लोग को काफी ढेर सारे ओर्स चाहिए, पीसी चाहिए, हीलिंग सेंटर चाहिए। तो वो सब बनाने के लिए हम लोग को एक सुपर स्मेल्टर चाहिए एंड लकीली मुझे पहले घर से ब्लास्ट फर्नेस मिल जाता है। लगे हाथ में एक विलेजर का बेड भी उठा लेता हूँ ताकि रात हम लोग के स्केप हो पाए एंड मुझे काफी ढेर सारा हेबल भी मिल जाता है तो मैं उसे भी फटाफट से कलेक्ट कर लेता बॉक्स में। विलेज से निकलते हुए मुझे एक और पोकेमॉन मिलता है जिसका नाम बनेरी था एंड अगर मेरे पास पोकेबॉल होता तो मैं श्योरली इसे कैप्चर करता बट अभी मुझे इसे यहीं पे छोड़ के जाना पड़ रहा था। इस वीडियो में आपको आगे चल के कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी अजीब चीजें देखने को मिलेंगी वो तो आप लोग अभी से अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि इस गोलम को देखो यार, ये पूरा क्ले से बना हुआ है। या फिर इन गार्ड्स को देख लो जो कि 24 घंटा विलेज की प्रोटेक्शन करते रहते हैं। फिर मैं फैंकिंग की बैटल कराता हूँ एक और पोकेमॉन के साथ एंड इस वाले को भी हम लोग इजीली जीत जाते हैं। जो भी बोलो हमारे पोकेमॉन में दम तो बहुत है। विलेज के आसपास और भी मुझे कई अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स मिल जाते हैं एंड मैं कितनों से तो और अपने फैंकिंग की फाइट भी कराता हूँ। फाइट कराने में मुझे इतना मजा आ रहा था कि एक बार तो मैंने अपने पोकेमॉन की हेल्थ एकदम जीरो ही कर दी थी। वो तो सही टाइम पे मैंने उसे पोकेबॉल में उड़ा लिया नहीं तो वो तो भाई खत्म ही था। तो इन सब के साथ हमारा डे वन पीसफुली खत्म हो जाता है। अगले दिन मैं विलेज को लीव कर देता हूँ और निकल पड़ता हूँ ढूंढने के लिए एक ऐसी जगह जहाँ पे अपनी कॉलोनी बना पाऊँ। अब जिनको नहीं समझ में आया मैं बता दूँ कि हम लोग इस वाली वीडियो में घर नहीं बनाने वाले बल्कि अपनी पूरी एक कॉलोनी बनाएंगे। उसके लिए मुझे सबसे बेस्ट जगह तो ये लग रही है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के बायो में साथ में विलेज भी है। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तभी मुझे ये दिखता है। वेट, कुछ था क्या वहाँ पे? अरे ये कौन सा पोकेमॉन है भाई? ये तो मुझे लेजेंडरी कोई लग रहा है। ये देखो ये कितना ज्यादा बड़ा है। ओ भाई काश मैं इसको पकड़ पाता। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया था बट एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन है। बट ये यहाँ पे आया क्यों? क्या ये मुझे कुछ बताना चाह रहा था? अपने कॉलोनी को बनाने के लिए मुझे सबसे बेस्ट लोकेशन चाहिए तो मैं और थोड़ा एक्सप्लोरिंग करने के लिए निकल जाता हूँ। मुझे और भी अलग अलग पोकेमॉन देखने को मिलते हैं। सबसे बेस्ट तो मुझे ये गैरडॉस लगा। अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखो कितने एपिक पोकेमॉन्स दिखने वाले हैं। सो ये देखो यहाँ पर मैं स्पॉन हुआ था एंड अभी के लिए मैं घर अपना इस वाले एरिया में बनाने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एंड आप लोग कमेंट में बताओ इस वाले पोकेमॉन का नाम क्या है। इसी जगह पे मुझे एक शिप मिलती है जो कि डूबी हुई थी तो मैं सोचता हूँ इसे अंदर जाके एक्सप्लोर करने का बट तभी मेरे ऊपर एक अजीब सी फिश अटैक कर देती है।
बट समहाउ मैं फिश को मार देता हूँ एंड जब आके लूट चेक करता हूँ शिप की तो मुझे काफी डिसेंट मिल जाती है यार, काफी ढेर सारे आयन साथ में एक ट्रेजर मैप भी मिल जाता है। एंड शायद बहुत कम लोगों का लक मेरी तरह अच्छा होगा कि ये देखो जहाँ पे शिप थी उसके जस्ट बगल ही में ट्रेजर था। सामान रखने की मेरे पास बहुत ही ज्यादा इश्यू हो रही थी तो मैं अपने लिए दो चेस्ट बना लेता हूँ जिसमें अपने सारे सामान को ट्रांसफर कर देता हूँ। अगले दिन मुझे ट्रेजर मिल जाता है एंड जब मैं उसे खोलता हूँ तो भाई उसमें बहुत ढेर सारे आयन थे, मतलब इतने कि मैं अब बहुत ढेर सारे पॉकेबॉल्स बना सकता हूँ। सो गाइस अभी मुझे एक बात पता चली है कि जैसे ही हम लोग अपनी इन्वेंट्री से एम दबाते हैं ना तो हमारा पॉकेडेक्स ओपन हो जाता है एंड हम लोग को इसमें अपने पॉकेमॉन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साइडक से मेरी पॉकेमॉन बैटल चल रही थी बट वो अपनी पावर का यूज करके हमारे फ्रैंकिन की हेल्थ को एकदम गिरा देता है, मतलब अब हम लोग को हीलर बहुत ही ज्यादा अर्जेंटली बनाना पड़ेगा। हीलर बनाने के लिए हम लोग को कॉपर इंगट की भी जरूरत थी तो मैं एक जगह पकड़ता हूँ एंड वहां से स्ट्रेट माइनिंग करने लग जाता हूँ। अगले दिन मैं हीलर को क्राफ्ट करके लगा देता हूँ एंड अपने पॉकेमॉन की हेल्थ फुल कर लेता हूँ एंड फिर थोड़ी देर तक मैं अपने फ्रैंकिन की फाइट बहुत ही ज्यादा रैंडम पॉकेमॉन से करवाता हूँ ताकि उसका लेवल अप हो जाए एंड कई फाइट में तो मैं 1 HP से जीत रहा था। एनीवेज फिर मैं लग जाता हूँ सामान इकट्ठा करने के लिए ताकि मैं अपनी कॉलोनी बिल्ड कर पाऊँ। रिसोर्सेज तो काफी ठीक ठाक इकट्ठा हो चुका है यार, बस अब जगह की बात है। ये जो सामने का फॉरेस्ट है बहुत गंदा लग रहा है तो मैं क्या सोच रहा हूँ इसे काट दूं, तो इसके लिए यार मैं अपनी निंजा टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे धरती में बस 3 ब्लॉक चले जाना है एंड ऊपर 1 ब्लॉक लगा के अंधेरा कर देना है एंड 1 2 3। देखा मैंने बोला ही था यार मेरी मैजिक ट्रिक अभी फेल ही नहीं हो सकती। अभी देखो मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा एंड इधर का एरिया देखो, यहीं पर तो फॉरेस्ट था, अभी देखो सब क्लियर हो चुका है एंड साथ में मेरे पास आयरन आर्मर भी बन चुका है। पता नहीं सारे यूट्यूबर्स क्यों कहते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, हद से ज्यादा टाइम लग गया इस पूरी जगह को क्लीन करते करते। यार जब आप 17 से 18 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना तो कुछ ना कुछ आपसे मिस हो जाता है। जब मैं अपने बिल्ड्स बना रहा था तो मेरा रिप्ले नहीं ऑन था, तो आप लोग को रिप्ले के व्यू तो नहीं देखने पड़ेंगे बट होपफुली मेरा OBS ऑन था तो वहां से आप लोग कुछ क्लिप्स देख लो। सबसे पहले तो मैं आउटलाइन बना लेता हूँ सारी जगह का जहाँ पे मुझे काम करना है, उसके बाद मैं अपना फर्स्ट घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो पहला घर हम लोग का छोटा सा होने वाला है, उसमें सिर्फ हम लोग के PC लगेंगे तो वो 5x5 एरिया का परफेक्ट होगा। घर बनाने के बाद अब टाइम आ चुका था इसको सी से कनेक्ट करने का, मतलब यहाँ पे ऐसा मैं छोटा सा पाथवे बनाना चाहता था जो कि ऐसा लगे कि ये घर हम लोग के सी कॉस्ट पे है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने 2 घर बना के पूरी तरीके से रेडी कर दिए हैं एंड यार देखो अब यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ, इधर के साइड में एक छोटा सा हम लोग पार्क टाइप का एरिया बनाएंगे जहाँ पे हम लोग सारे पकड़े हुए पॉकेमॉन को छोड़ देंगे ताकि वो लोग थोड़ा खेल कूद सके। तो मैं दोबारा काम पे लग जाता हूँ एंड इस एरिया में जितने भी ट्री थे उन सबको मैं काटने लगता हूँ और फिर पानी का यूज करता हूँ इस पूरी जगह के ग्रास को हटाने के लिए, क्योंकि हाथ से करता तो यार बहुत समय लग जाता। एट लास्ट जो भी आलतू फालतू घट्टे थे मैं उन सबको भी भर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्लेन लगे एंड फिर जितना एरिया पार्क के लिए रिजर्व रहेगा उतने में मैं रैंडम फेंसेस लगाने स्टार्ट कर देता हूँ। बस कुछ और फाइनल टचेस देने हैं एंड हम लोग का ये छोटा सा पार्क तैयार हो जाएगा। सो गाइस अब आप लोग डिसाइड करो कमेंट्स में कि क्या मेरी मेहनत वर्थ इट थी। मेरी बिल्डिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है यार बट मैंने अपने दिमाग का यूज करके जो भी बनाया मुझे तो काफी ठीक लग रहा है एंड फ्यूचर में मैं इसे और भी अपग्रेड करूंगा। एंड अभी मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने किस जगह को कैसे असाइन किया है बट पहले अपनी इन्वेंट्री खाली कर दूं। इस घर पे गाइस मैंने पॉकेट डेस्क की स्क्रीन्स लगाई एंड ये क्या होता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ, बट पहले एक बार दरवाजा देखो कितना मस्त है एंड इसके एक साइड से हम लोग सीधा ओशन में निकल सकते हैं। एक बार में हम लोग 6 से ज्यादा पॉकीमॉन्स को कैरी नहीं कर सकते हैं बट यार हम लोग पकड़े गए पॉकीमॉन्स को ना यहाँ वाली ब्लू स्क्रीन में रख के उन्हें स्टोर कर सकते हैं एंड ये वाला जो घर है यहाँ पर मैंने बहुत ढेर सारे हीलर्स बना के लगा दिए हैं ताकि हम लोग एक ही बार में बहुत ढेर सारे पॉकेमॉन्स को रिस्टोर कर पाए एंड साथ में कुछ बैरल्स भी। मैं जो भी पॉकेमॉन पकड़ूंगा उन्हें पॉकेडेक्स में नहीं रखूंगा बल्कि इस जगह लाके छोड़ दूंगा ताकि वो लोग अपनी लाइफ को आराम से जी सके। आज से मेरा दिन बहुत ही ज्यादा अलग जाने वाला है, अब मैं निकलूंगा एक्सप्लोरेशन करने के लिए और पकड़ना है मुझे वो 5 एलिमेंटल पॉकेमॉन्स। उन्हें पकड़ने के लिए मुझे अपने फेनिकिन को इवॉल्व करना पड़ेगा और ये काम करने के लिए मुझे लेवल्स चाहिए। तो सबसे पहले मुझे जो आसपास के जितने भी पॉकेमॉन दिखते हैं मैं उन सबसे फाइट कराता हूँ। मेरा सबसे बेस्ट अटैक तो
मेंबर रहता है जिससे मैं अपने अपोनेंट की काफी हद ले लेता हूँ। एंड इसके अलावा मुझे कुछ यूज भी नहीं करना पड़ता है। ये सब मैं कर ही रहा था कि तभी मेरे ऊपर एक बोन की फिश अटैक कर देती है। एंड देखो यार, मैं हाफ वुड पे बेयरली सर्वाइव करता हूँ। एनीवेज, फिर मैं अपने पोकेमोन की फाइट पिनोगो से कराता हूँ एंड हमारे एक वापस से एम्बर अटैक एंड हमारे एनिमी खत्म। थोड़ी देर तक एलियन से फाइट कराने के बाद फाइनली यार मुझे एक वर्दी अपोनेंट मिल जाता है जो कि एक अटैक में मेरे पोकेमोन की हेल्थ एकदम जीरो कर देता है। बट तब भी मैं उससे आखिरी सांस तक लड़ता हूँ एंड एट लास्ट उसे हरा ही देता हूँ। जैसे जैसे मैं अपने पोकेमोन का लेवल अप करते जा रहा था वैसे वैसे और पावरफुल एनिमीज स्पॉन हो रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है और ये कौन कर रहा है। बट अभी आप लोग बैटल देखने जा रहे हो एक फायर टाइप और वाटर टाइप पोकेमोन का। तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रैच अटैक का यूज करता हूँ एंड हमारे ओपोनेंट को काफी अच्छा डैमेज दे देता हूँ। पॉलीबैग का छोटा सा छोटा अटैक मेरी पूरी हेल्थ ले रहा था बट मैं उसे लड़ने की लास्ट तक ट्राई करता हूँ एंड हार जाता हूँ। तो काफी दिनों से लगातार मैं अपने फेनिकिन पोकेमोन की फाइट अलग अलग पोकेमोन से करा रहा हूँ एंड अभी आप लोग अगर ध्यान दो तो इसका लेवल 20 हो चुका है। मतलब फाइनली हम लोग इसको इवॉल्व कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, इस दिन के लिए मैंने काफी ज्यादा इंतजार किया एंड अभी तो ये शुरुआत है। ये तो इसका फर्स्ट लेवल अपग्रेड होने वाला है एंड अभी तो हम लोग इसको और आगे ले जाएंगे। बट चलो पहले हम लोग इसको इवॉल्व करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। फाइनली हम लोग का पोकेमोन अपग्रेड हो चुका है या कहें हम लोग इवॉल्व हो गए एंड अभी इसका नाम ब्रेक्सन हो गया है। तो अभी अगर आप लोग इसका स्टेटस देखो तो एक्सपी पॉइंट जिसके 6270 जब हो जाएंगे तो एक और बार ये अपग्रेड होगा एंड बाकी हम लोग के एम्बर अटैक का डैमेज और बढ़ चुका है। इनफैक्ट सारे अटैक्स का डैमेज बढ़ गया यार। एंड एक बार हम लोग लगे आते इसको हील भी कर लेते हैं ताकि ये और ज्यादा पावरफुल हो जाए। सो गाइस, पांचों एलिमेंटल पावर को रिप्रेजेंट करने वाले पोकेमॉन्स को ढूंढने के लिए हम लोग को अपने होम एरिया को छोड़ के बहुत दूर जाना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर एक वे पॉइंट बना देता हूँ एंड इसका नेम हम लोग होम दे देते हैं। अब मैं जहाँ पे भी रहूंगा ना इजिली मैप को खोल के यहाँ पर आ पाऊंगा। वैसे गाइस, अगर आप लोग को इन सारे मोड पैक को अपने वर्ल्ड में खेलना है तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं इस मोड का लिंक दे दूंगा। मैं सारे अनवांटेड आइटम्स को अपनी इन्वेंटरी से निकाल देता हूँ, सिर्फ जरूरी के कुछ आइटम्स ले लेता हूँ एंड फिर मैं निकल पड़ता हूँ एक्सप्लोरेशन पे ढूंढने के लिए एप्रिकॉन्स एंड उन पांचों एलिमेंटल पावर्स के पोकेमॉन्स को। स्टार्टिंग में काफी दूर तक चलने पे भी मुझे कुछ नहीं मिलता है क्योंकि जिस बायोम में मैं था वहाँ पर हर तरफ सिर्फ घास ही घास थी एंड किसी भी चीज का दिखना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। काफी दूर चलने के बाद मुझे एक और न्यू बायोम मिलती है एंड इस जगह यार एप्रिकॉन्स मिलने के ना बहुत ही ज्यादा चांसेस थे क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के ट्रीज हैं। ओ भाई, फाइनली मुझे एप्रिकॉन मिल गया है एंड यस यही एप्रिकॉन है। देखो इसका नाम भी वही शो हो रहा है एंड मैं जल्दी से ओके वेट, मैंने शायद एक बर्बाद कर दिया बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक तो मिला यार, स्टार्टिंग तो ही मेरी। एंड लगे हाथ मैं एक काम करता हूँ, अपने लिए एक एक्स बना लेता हूँ एंड जिस पेड़ से मुझे ये मिला है ना मैं उस पूरे पेड़ को काट के ले चलूंगा ताकि मुझे इसकी सैपलिंग मिल जाए। बट ये बस एक मिथ था क्योंकि एप्रिकॉन की सीड या तो हम लोग को चेस्ट से मिलती है या फिर सिल्टस से। एनीवेज, मुझे कुछ पिंक एप्रिकॉन्स तो मिल जाते हैं एटलीस्ट। बट यार फिर मुझे एक बात पता चलती है कि डिपेंडिंग अपॉन दी कलर ऑफ एप्रिकॉन उनकी रेयरिटी होती है एंड ये जो हम लोग का पिंक है ये सबसे कॉमन है, इसके बाद रेड आता है एंड व्हाइट सबसे रेयर है। एप्रिकॉन को ढूंढने के साथ साथ मैं अपने पोकेमोन का और भी अदर पोकेमोन से फाइट कराते जा रहा था ताकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड अटैक्स बढ़े। ओ भाई ये देखो यार, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के यहाँ पर गड्ढा बनाया कि कोई बंदा है और जाके फंस जाए। एंड अभी मैं आ चुका हूँ घर से करीब 5 से 6 हजार ब्लॉक्स दूर एंड यहाँ पे आलू ये क्या कर रहा है। हाँ तो मैं कह रहा था हम लोग घर से आ गए करीब 5 से 6 हजार ब्लॉक्स दूर एंड अभी देखो ये माउंटेन एरिया है तो यहाँ पर सारे रॉक टाइप पोकेमोन है। तो मैं एक बार ही ढूंढ रहा है यार यहीं पे से कोई मुझे एक पावरफुल सा मिल जाए बट अभी तो सब लुल्लू पुल्लू दिख रहे हैं। अभी भी हम लोग के पास पॉकीबॉल बनाने लायक कैप्रिकॉन नहीं हुए थे तो मैं एक पहाड़ के ऊपर से चढ़ के देख रहा था एंड मुझे देखो क्या दिखता है, एक पेड़ पे बहुत ढेर सारे ब्राउन एप्रिकॉन्स लगे हुए थे। तो मैं टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट वहां जाता हूँ। सो यार फाइनली आई एम बैक होम एंड देखो मुझे क्या मिला, मुझे ना एक पेड़ की सैपलिंग भी मिल चुकी है एप्रिकॉन के जो कि एक विलेजर के चेस्ट में रखी हुई थी तो मैंने उसे प्लांट भी कर दिया है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग क्राफ्टिंग रेसिपी देख पा रहे हो, हम लोग एप्रिकॉन कॉपर आयरन का यूज करके अलग अलग तरह की पॉकीबॉल्स बना सकते हैं। कोई कुछ फास्टर है तो कोई बढ़िया है, कोई लग्जरी है, कोई ऐसे ऐसे करके भाई बहुत अलग अलग तरह की पॉकीबॉल्स है हमारे पास। जितने सामान मेरे पास थे उससे मैं लग्जरी बॉल्स बना लेता हूँ और ढूंढने लगता हूँ किसी 35 से 40 लेवल के बीच के पॉकीमॉन को जो कि हम लोग हेल्प कर पाए फाइट में। और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी था क्योंकि मुझे पास ही में एक और पोकेमोन दिख जाता है जिसका मुझे नाम तक नहीं पता था। एंड अगर आप लोगों को पता है ये पोकेमोन के किस सीजन में था तो कमेंट में जाके जरूर बताना। एनीवेज, मैं अपने रिएक्शन को इससे फाइट करने के लिए उतार देता हूँ ये बात जानते हुए कि ये मेरे से 10 लेवल ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले तो मैं इस पे अपना एम्बर अटैक करता हूँ एंड इसकी थोड़ी सी हेल्थ ले लेता हूँ। बट यार ये पोकेमोन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, ये मेरे रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा इजीली डिफीट कर रहा था एंड उसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। बट रिएक्शन जाते जाते अपना काम पूरा करके जाता है, उसने उसकी हेल्थ इतनी कम कर दी थी कि वो पोकेमोन पोकेबॉल में आ जाए।
भाई आज तो इसको पकड़ के रहूंगा चाहे कितनी बॉल्स लग जाए। बॉल तो है मेरे पे यार। अबे ये कैसे निकल गया? कोई बात नहीं, दूसरी बॉल डालते हैं। लेट्स सी यार, आजा आजा आजा, प्लीज 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 यार, प्लीज आ जाना ना यार, प्लीज निकलना नहीं, निकलना नहीं। एंड यस, हो गया भाई दो अटेम्प्ट में। अब इस जर्नी में हमारा रिएक्शन पोकेमोन अकेला नहीं है, बल्कि अब हम लोग के साथ जुड़ चुका है हीटमोर। हीटमोर का मैं लेवल और ज्यादा बढ़ा रहा था, बट गलती से मैं एक पोकेमोन के ऊपर अपनी पोकेबॉल डाल देता हूँ एंड वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में कैप्चर हो जाता है यार। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर था। मेरे सारे पोकेमॉन्स की हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। बट लकीली मुझे एक्सप्लोर करते करते एक बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह मिलती है। इस स्ट्रक्चर को देखने से ऐसा लग रहा था ये उन प्लेयर्स के लिए बनाई गई है जो कि अपने पोकेमॉन के सफर पे आगे निकलते हैं। एंड रेस्ट करने के लिए रहते हैं। सीधी भाषा में बोलूं तो पोकेमॉन सेंटर की तरह लग रहा था। इस एक जगह को बनाने के लिए गाइस ऐसा लग रहा कि बहुत ज्यादा पैसा लगा है, क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पे वर्किंग चेयर्स हैं एंड साथ में चेस्टों में ब्लूप्रिंट्स रखा है। मैं इस जगह से कोई भी सामान चोरी नहीं करता हूँ क्योंकि ये पूरे ट्रेवलर्स के लिए बनी हुई थी एंड मैं नहीं चाहता कि उन्हें इनकन्वीनियंस हो। So, जैसे कि भी आप लोग देख सकते हो मेरे पास दो पोकेमोन है जिसमें से एक का लेवल 35 है एंड एक का 30। एक मेरा ब्रैक्सन है 31 लेवल का और ये मेरा जो गलती से पकड़ा था वो भी 27 लेवल का है। एंड हमारा जो हीट डॉग था ना वो अभी यार बहुत ही ज्यादा कम हेल्थ पे, तो वो स्पॉन नहीं होगा। और पोकेमोन्स को लाने के पहले मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना था जो कि हम लोग का बचा हुआ था। उस काम को करने के लिए मैं अपने कॉलोनी में वापस आता हूँ। मेरे पास सारे मटेरियल थे, बस अपने रहने के लिए घर नहीं था, तो मैं क्या सोचता हूँ कि यहाँ पर हम लोग पहले अपना घर कंप्लीट कर लेते हैं फिर निकलते हैं और एक्सप्लोरेशन करने। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मुझे खूब ढेर सारे डायमंड्स की जरूरत थी, तो मैं अपने माइन में आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे आयरन तो मिल जाते हैं बट यार डायमंड का कहीं अता पता नहीं था। एंड साथ ही में मुझे वहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन्स दिखते हैं तो उनके पास जाना मुझे सेफ नहीं लगता है। मैं जल्दी से जल्दी अपने माइनिंग सेशन को कम्प्लीट करता हूँ एंड लगे हाथ अपने लिए फुल डायमंड के टूल्स एंड आर्मर बना लेता हूँ। फाइनली हम लोग अब डायमंड में कवर हो गए हैं। गाइस फिर मैं अपने घर को कंप्लीट करने पे ध्यान देता हूँ एंड मैं काफी अलग अलग तरह के डिजाइन भी ट्राई करता हूँ। जैसे कि पहले मैं एल शेप का घर बनाना चाह रहा था, बट फार में फिर सोचा स्क्वायर का बनाऊ एंड फिर टावर का डिजाइन, बट फिर फाइनली मैं इसको बनाता हूँ। Yes, you guessed it right. घंटों तक मेहनत करने के बाद मैंने इसको बनाया एंड फिर कुछ दिनों तक अपने सारे सामानों को शॉर्ट किया। ओ भाई ये देखो कितने ढेर सारे एक्सपी निकल लिए यार। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कहाँ से आई, तो अभी मैंने बहुत ढेर सारे कॉपर और आयरन को स्मेल्ट किया है तो उससे ये सारी मिली है। एंड ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं खूब ढेर सारे पॉकेबॉल्स बना सकूं। गाइज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस बार जब हम लोग निकलेंगे ना तो हम लोग काफी बड़े सफर पे जाने वाले हैं सारे पॉकेमॉन्स को ढूंढने के लिए, इसीलिए मैं अपने सारे रिक्वायरमेंट का सामान अभी ही गैदर कर रहा हूँ। पीसी, हीलर मशीन, जितने भी चीजें हैं ना मैं भाई वो सब लेके जाने वाला हूँ। एंड हमारे पास अभी सिर्फ एक वाटर पॉकेमॉन की कमी है, तो एक काम करते हैं हम लोग भी पकड़ लेते हैं। एंड ये देखो मुझे 40 लेवल का किंगलर मिल गया है, तो चलो हम लोग इससे अपने क्योलर की फाइट कराते हैं। एंड वेट, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और एक अटैक में मेरे ब्रिक्सन को भी मार दिया। अब भाई सारा खेल हीट मोर के ऊपर है कि क्या वो उसको हरा पाएगा या फिर उसकी हेल्थ कम कर पाएगा। एंड लेट्स गो, हमारी हीटलर की हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा कम हो रही है बट किंगस्टर जो भी है ना उसकी भी। ओके ओके नाइस, भले ही हम लोग का पोकेमॉन हार गया बट इसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम है, हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। प्लीज हो जा भाई, मेरे दो दो पोकेमॉन जा चुके हैं इसको पकड़ने के चक्कर में। लेट्स सी, हो गया भाई साहब। ये देखो गाइस हम लोग ने किंगलर को भी पकड़ लिया एंड ये 40-40 लेवल्स का है। अब जब मैंने इतने पावरफुल पोकेमॉन को पकड़ लिया था तो मैं टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता हूँ, निकल पड़ता हूँ ढूंढने के लिए एक मैजिकल टेंपल को। एंड काफी दिनों तक ढूंढने के बाद वो मुझे मिल भी जाता है। अब जिसको इसके बारे में नहीं पता तो सुनो, ये जो स्क्रीन पे आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इसको हम लोग मैजिकल टेंपल बोलते हैं। ये मैजिकल क्यों है, इसके पीछे का राज तो किसी को नहीं पता, बट हाँ इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिलते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग म्यूटू को स्पॉन कर पाए। और जिसको नहीं पता तो ये है म्यूटू द लेजेंडरी पोकेमॉन। मैं बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके अंदर जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के क्रिएचर्स एंड पोकेमॉन्स मिलेंगे जिन्हें हम लोग पकड़ भी नहीं सकेंगे। जैसे मैं अंदर जाता हूँ मुझे नाइट विजन का इफेक्ट मिल जाता है जो कि थोड़ा सा अच्छा ही था क्योंकि मुझे हर चीजें दिखाई दे रही थी, बट मैं फिर धीरे धीरे सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर ही रहा होता हूँ कि मेरे 5-6 ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है। एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ ये ज़ॉम्बीज़ नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ से ज़्यादा खतरनाक था एंड ये बिना स्पॉनर के डायरेक्टली स्पॉन हो गए थे मेरे मुंह पे। वो तो किसी तरह मैं बच गया, नहीं तो आज तो खत्म था भाई गेम। फिर मुझे ये बात तो पता चल जाता कि आगे से जाना मुश्किल है, तो मैं पीछे वाला गेट ढूंढ ही रहा होता हूँ कि मेरे ऊपर एक अजग से पोकेमोन का अटैक हो जाता है। एंड यार ये मच्छर तरह का था जो कि मेरा खून चूस रहा था। एंड पूरे पॉकीक्राफ्ट में ये एक ऐसा पोकेमोन था जिसे हम लोग पकड़ भी नहीं सकते हैं इवन। इस बार मैं पीछे वाले गेट से जब एंटर करता हूँ तो मुझे वहां पे भी ज़ॉम्बीज मिलते हैं, बट इस बारी मैं उन्हें मार देता हूँ क्योंकि वो अचानक से नहीं स्पॉन हुए थे।
उसके बाद मैं उस टेंपल को एक्सप्लोर करने लगता हूँ। ऐसा माना जाता है गाइस कि इस टेंपल के सिर्फ 1% रास्ते ही अभी तक लोगों ने देखे हैं या कहें जिन्हें हम लोग अभी तक जानते हैं, बाकी 99% रास्ते तो छुपे ही हुए हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि हम लोग यहाँ से यूनिवर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक एक करके मैं सारे चेस्टों को चेक करता हूँ देखने के लिए कि हमारे काम का सामान कौन सा है जिसकी हेल्प से हम लोग म्यूटो को स्पॉन करें। आज तक किसी ने भी इस पूरे टेंपल को एक्सप्लोर नहीं किया था एंड जो भी आता था वो वापस कभी नहीं जा पाया था। देखना यह है कि क्या मैं यहाँ से बच के निकल पाऊंगा। एंड यू नो, जब आप देखते हो कुछ ऐसे ब्लॉग्स जो कि अपने मनी वाइब्रेट कर रहे हैं एंड कुछ की आंखें खुल रही है, तो आपको इन सब पे यकीन करना पड़ता है भाई कि ये जगह तो किसी और ही डायमेंशन की लगती है। एक्सप्लोर करते करते मैं एक रूम में जाता हूँ जहाँ पे बहुत ढेर सारे पोकेमॉन रहते हैं जो कि मेरा खून चूसने लगते हैं। एंड इन लोग की तो यार पावर पिछले से ज्यादा थी, मुझे बहुत हिट्स मारने पड़ते हैं एक को मारने के लिए। बट जो लास्ट इंग्रेडिएंट चाहिए था वो मुझे इसी रूम से मिलेगा, शायद इसीलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी। मैं एक एक करके सारे ये उड़ने वाले मच्छर वाले पोकेमॉन को मारता हूँ और स्केलेटन स्कल कलेक्ट करके वहां से निकल जाता हूँ। रेस्ट डेज में लगा देता हूँ ढूंढने के लिए उन पांचों एलिमेंटल पावर को होल्ड करने वाले पोकेमॉन्स को, जिसमें से पहला हमारा चारिजार्ड था। सो पहले मैं उसकी फाइट अपने एक पोकेमॉन से कराता हूँ एंड जब उसकी हेल्थ कम हो जाती है तो अपनी पोकेबॉल फेंक के उसे कैच कर लेता हूँ। वीडियो में बार बार जो मैं एलिमेंटल पावर का यूज कर रहा हूँ इसका मतलब अर्थ एयर वाटर फायर होता है। सो मुझे चारों टाइप के सबसे बेस्ट पोकेमॉन्स चाहिए जिसमें हमारी फायर कैटेगरी को चारिजार्ड पूरा कर देता है। रही बात वाटर की तो मुझे ब्लास्टोइज मिल जाता है जो कि आई गेस सबसे बेस्ट ही होता है। सो फिर क्या था, पोकेबॉल डाल के मैं उसे भी पकड़ लेता हूँ। एंड लकीली पास में मुझे ग्राउंड टाइप का एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन मिलता है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और उसे भी पोकेबॉल में डाल लेता हूँ। एंड बैकअप के लिए मैं एक घोस्ट पोकेमॉन को भी पकड़ लेता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा फुल है। खासली भाई जिसके पास सारे तरह के एलिमेंटल पावर के पोकेमॉन होना वही सिर्फ म्यूटो को स्पॉन कर सकता है। एंड जब से मैंने सब पकड़े हैं तब से हमारे सिटी का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। आई डोंट नो ये फाइट मेरे लिए इजी होने वाली है या टफ, बट आई गेस मैं म्यूटो को बहुत ही ज्यादा इजीली हरा सकता हूँ क्योंकि वो लेवल 1 पे ही स्पॉन होगा। तो फिर क्या था, मैं लग जाता हूँ बनाने के लिए उस रिचुअल को करने की जगह। एंड सब चीज कम्प्लीट करने के बाद अब बस हमें वेट करना था। बट वहाँ पे जो होता है ना वो नमन को मजबूर कर देता है ये सोचने के लिए कि उसने म्यूटो को मार के सही किया या गलत। अपनी पावर्स का यूज करके म्यूटो नमन के दिमाग को कनेक्ट कर पाता है एंड उससे बोलता है, तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेनर हो और आज तुम मुझे हरा दोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी किसी भी पावर का यूज नहीं करूंगा इस फाइट में, मुझे मरना है। अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो वो सब कुछ तबाह कर देगा मेरी पावर्स लेके। मेरे मरने के बाद उसका राज भी दफन हो जाएगा और वो उसी दुनिया में फंसा रह जाएगा। लेकिन तुम वादा करो जब जब जरूरत पड़ेगी तो तुम आओगे, तुम्हें इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है अपने आप से भी और उससे भी। नमन कंफ्यूज हो जाता है कि म्यूटो अच्छा है कि बुरा, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर नहीं करता है एंड फाइट में अपनी पोकेमॉन का यूज करके म्यूटो को बहुत ही ज्यादा इजीली डिफीट कर देता है। हाँ ये बात तो सच है कि म्यूटो के बाद इस राज का भी पर्दा कभी नहीं उठ पाएगा कि आखिर कौन है जो दूसरे वर्ल्ड से आके हम लोग को तबाह करना चाहता है। बट अभी बात लाखों लोगों की जान की हो रही थी, ना केवल एक राज की। म्यूटो के डेथ के साथ इस वर्ल्ड में हमारे 100 डेज तो पूरे हो गए थे और साथ में उस राज का भी पर्दा अब कभी नहीं उठेगा। पोकेमॉन की दुनिया एक बार वापस से हरी भरी होगी और हर जगह सिर्फ और सिर्फ शांति होगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। मेरी भाई बहुत दिनों की मेहनत इसमें लगी है, तो आप लोग अगर कमेंट कर देते हो #नमन लिख के तो मैं आप लोगों को हर्ट दूंगा। एंड हाँ, पार्ट 2 चाहिए तो भी कमेंट करो एंड मोर चाहिए तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। और गुड बाय।